17वीं लोकसभा के नए स्पीकर होंगे कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला। और इस वक्त हम ओम बिरला के आवास पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। उनकी पत्नी अमिता बिरला है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम आप बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ओम बिरला जी को, किस तरीके से आप देखती है, आपको एक्सपेक्ट था किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब ये पद मिला तो एकदम एक सरप्राइजिंग मोमेंट रहा और बहुत खुशी का मोमेंट रहा। और मैं मुझे पूरी आशा है कि ओम जी के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनको इस पद को बहुत अच्छी तरह से निभा लेंगे। मैम दूसरी बार लोकसभा सांसद है, तीन बार विधायक भी रह चुके हैं, पहले कार्यकाल में मोदी सरकार के हालांकि कोई मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, इसलिए उन लोगों का, मोदी जी साहब का और जो भी जिन लोगों ने इनको इस लायक समझा और चुना है उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ओम जी उनके उन्होंने जिस पद के लिए इनको चुना है वो पूरा उसमें खरा उतरेंगे और बहुत अच्छी तरह से सदन को चलाएंगे। जश्न की तैयारियां भी हम देख रहे हैं, काफ़ी साजो सजावट की जा रही है, किस तरीके के जश्न मनाया जाएगा? एक्चुअली ये सब कुछ इतना सडनली हुआ कि हमको खुद को ही कुछ पता नहीं था। तो अभी हमारे सब परिवार के, क्योंकि वी बिलोंग टू कोटा, तो अभी परिवार के लोग कोटा से रवाना हो रहे हैं, वो लोग आएंगे, फ्रेंड सर्कल को भी अभी पता लग रहा है। तो हम सब शाम तक, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी तरह लोगों का हम लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। हम कब आपको पता चला कि उनको स्पीकर बनाया जा रहा है? ये हमें सवेरे ही पता लगा है, सवेरे। उनके साथ आप लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से उनका संघर्ष आपने देखा राजनीति में खासतौर पर? ओम जी के साथ एक्चुअली जब उनको फर्स्ट टाइम टिकट मिला, उससे पहले उनको एक बार बूंदी से मिला था टिकट, और मिलने के बाद उनको टिकट उनका कट गया था, तब भी एकदम घर का माहौल बहुत बुरी तरह से, एकदम हम सब लोग बहुत अचंभित थे कि एकदम टिकट मिलने के बाद रैली हो गई थी, रैली के बाद भी उनका टिकट कट चुका था। तो एकदम सबको ये 1999 की बात है, 98 की, तब उस वक्त मैंने उनको देखा कि उनको टिकट कटने के बाद भी वो एकदम घर के बाहर बाथरूम में गए, मुंह धो के आए, उसके बाद बोलते चलो मुझे काम करना है, वापस मुझे लगना है। जो हमने कहा आपको टिकट आपका कट के दूसरे को मिला है तो कोई बात नहीं, पार्टी के लोग को मिलाना है, मेरे को उसके लिए काम करना है। तो उनकी वो जो देखा कि उनमें किसी भी क्षण को, किसी भी, चाहे सुख का क्षण हो चाहे दुख का क्षण हो, उनको सहन करने की क्षमता उसमें बहुत अपार है। आगे किस तरीके से काम उनका आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अब आप लोग यहाँ से बंगला भी शिफ्ट करेंगे, नया स्पीकर हाउस मिलेगा आप लोगों को? हाँ, वो सब समय बताएगा, अभी आई कांट टेल एनीथिंग, पर ये अच्छा मोमेंट है और जो भी होगा हम उसको अच्छी तरह निभाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ओम बिरला जी की बेटियां भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग बताइए क्या एक मोमेंट है जो फादर के साथ आप लोग कनेक्ट करते हैं? राजनीति में कहते हैं वक्त नहीं मिलता परिवार के लिए, कितना वक्त आपके लिए निकाल पाते थे? वक्त के लिए जब वक्त चाहिए था तो पापा ने बिल्कुल दिया है, जब भी उनका, जब भी हमें ज़रूरत थी, हमें लगा कि नहीं ये मोमेंट तो होता है जो एक फादर के साथ शेयर करना चाहिए, वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमें सपोर्ट करना। प्लस कुछ क्वालिटीज़ आप अपने फादर से, अपनी फैमिली से सीखते हैं, वो क्वालिटीज़ हमने उनसे देखी, और फिर वही आप पढ़कर नहीं सीखते, कुछ आप देखकर सीखते हैं, वो हमने सब उनसे सीखा। फादर आप कितनी बड़ी पोस्ट पा गए हैं, किस तरीके की खुशी आपके अंदर, और क्या आपने फादर से आप जो उम्मीदें कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से वो काम करें? बहुत ही डिलाइटेड मोमेंट है ये, और बहुत ही हम सब एक्साइटेड हैं, और पापा भी बिल्कुल बहुत खुश हैं, पर वो बिल्कुल ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे आ गई है, और वो उस पर बहुत ही गरिमापूर्ण और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इम्पार्शियलिटी के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ इस पद को निभाएंगे। कुछ रिश्तेदार भी हमारे साथ, आप बताइए आपके परिवार के एक सदस्य जो है स्पीकर बनाए गए हैं, कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए? बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये तो। और जया जी बहुत ही ढेर करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह निभाएंगे वो। बिल्कुल, देख सकते हैं कि ओम बिरला का परिवार है जो यहाँ पर खुशियाँ मना रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक टेंट भी दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे टेंट लगा के साजो सजावट की जा रही है, और शाम को कई सारे कार्यकर्ता कोटा से आएंगे यहाँ, इनको शुभकामनाएं देंगे, बधाइयाँ देंगे। और खुद ओम बिरला अभी लोकसभा गए हुए हैं वहाँ अपना नामांकन करने के लिए, जैसे ही वो यहाँ लौटते हैं जश्न का दौर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।